जीवन में हमेशा भाग दौड़ लगा रहता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी भी माता पिता या परिवार के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता है। कोरोना संक्रमण के इसके वैश्विक महामारी में सभी देशवासियों को परिवार के साथ समय व्यतीत करके देश सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। उक्त बातें राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन के संयोजक अध्यक्ष वकार मोइज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि कोरोना वायरस के वजह से हुए इस लॉकडाउन में लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना का सर्कल तोड़ने के लिए यह काफ़ी अहम है कि लोग जागरूक रहें, वह अपने घर में रहें। उन्होंने कहा है कि आज भारत उस स्टेज पर है जहां हर कदम भविष्य तय करेंगे। यह समय कदम कदम पर अपने संकल्प को मजबूत करने का है। उन्होंने घर में रहने की अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएँ पहली प्राथमिकता है। अब जनता का भी कार्य होता है कि वह सरकार का साथ दे। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश के महानगर व ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर सामानों की डिलीवरी कराई जा रही है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वह अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। अगर किसी नागरिक को भी किसी प्रकार की असुविधा होती है तो वह उत्तर प्रदेश सरकार की हेल्पलाइन नंबर 1076 1800 5145 पर तत्काल संपर्क कर सकता है। सिद्धार्थनगर जनपद के लोग स्वास्थ्य राशन सप्लाई साफ सफाई आदि के संबंधी समस्या के लिए जिलाधिकारी द्वारा बनाए गए कंट्रोल नंबर 9044970818 9044170819 पर सहायता ले सकते हैं। निम्न बातों का रखें ध्यान। हर एक घंटे पर हाथों को साबुन से धुलें, किसी भी व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी पर रहें, चाहे भले ही वह आपके परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। बार बार अपने आँख नाक और कान को छूने से बचें। घर में ही प्राणायाम करें। सर्दी खांसी बुखार आदि की समस्या होने पर तत्काल अपने नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। उक्त बातों को गंभीरता से लें ताकि इस वैश्विक महामारी से निजात पाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आ चुका है। 1000 से ज़्यादा मरीजों की संख्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो गई है। लॉकडाउन मोदी जी ने घोषित किया है, आज उसका 5वां दिन है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। आप सभी से मैं विनम्र अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज भी आपके देश का प्रधानमंत्री आपसे अपील करता है, मतलब आपसे मांग रहा है कि आप घरों में रहिए, लेकिन आप अगर घर में नहीं रहेंगे तो क्या वो इस आपका देश कहीं साल पीछे जा सकता है। इसलिए आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। जब अगर कोई भी काम हो तभी घर से बाहर निकलना है, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको भी सरकार अब घरों तक ला रही है। आप सभी लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, दिन में 20-25 बार अपने हाथों को धुलते रहें, स्वच्छ सफाई से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन हाल में नहीं आई है, पूरा देश इस बीमारी से जूझ रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आपके आस पास अगर कोई गरीब मजदूर या जरूरतमंद दिखाई दे तो उसकी जरूर मदद करें, घर के बाहर उसको खाना वगैरह देते रहें, लेकिन फोटो शूट करके कोई उसका वो दिखाइए मत, केवल उसके लिए मतलब उसकी मदद कर दें। और ये कई दिनों का ये लॉकडाउन है, इसको सफल बनाएं। आप सभी घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर निकलना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए मैं एक बार फिर देशवासियों से अपील करता हूँ कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इस समय घर पर रहना किसी राष्ट्र सेवा से कम नहीं है, देश सेवा है।
जो ये मोदी जी ने फैसला लिया है वो देश देश हित में लिया है, इसलिए अपने घरों में रहें, एक राष्ट्र सेवा का मौका आपको दे रहे हैं तो आप राष्ट्र सेवा कीजिए। अपने माता पिता के पास लोग नहीं रह पाते हैं, लेकिन आज उनको मौका मिला अपने माँ बाप के बीच रहने का, तो आप लोग उससे निवेदन है कि अपने घरों में रहें, क्योंकि कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं होता था कि अपने माँ के पास बैठे, अपने भाई के पास बैठे, अपने बहन के पास बैठे, लेकिन आज इसी बीमारी के वजह से इंसान को अगर मौका मिला है, अगर मौका मिला है क्यों ना हम अपने घरों पे रहें, क्यों उस चीज़ का उल्लंघन करते हैं, हम नहीं करेंगे उल्लंघन। अब जो बच्चे मैच खेल रहे हैं, गांव में लड़के मैच खेल रहे हैं, तो मैच मत खेलें, ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इटली जैसा देश, इटली या वो स्वास्थ्य विभाग में दूसरे नंबर पे, विश्व में दूसरे नंबर पे, जो आज इस महामारी की चपेट में है, पूरा इटली साई बचा हुआ इटली में, इटली के प्रधानमंत्री रो रहा है कि और हम जो कि स्वास्थ्य महकमे में 112 नंबर पे आते हैं, हमारा क्या हाल होगा अगर हम थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बीमारी को टिकटॉक में मत समझे कि हल्की बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, 100 से अधिक देशों में फैलने वाली बीमारी बन चुकी है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है, ना किसी प्रकार की इलाज आया है। इसलिए आप सभी से अपील है कि अपने घरों में रहें या कई दिन का लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। अब जो है जहां पर हम नहीं रहें, सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, हमारे सिद्धार्थनगर एडीएम आदरणीय दीपक मीणा जी ने भी हेल्पलाइन कंट्रोल रूम जारी किया है। अगर आपको राशन लेने में, स्वास्थ्य विभाग में या किसी भी साफ सफाई में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो कंट्रोल नंबर पे आप शिकायत करके वहाँ समस्या का हल पा सकते हैं। अगर आप कहीं किसी उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और राज्यों में हैं, तो हमारी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप बात करके आप वहाँ मदद ले सकते हैं, लेकिन जो हैं वहीं रहें। इसलिए आप सभी से मैं अपील करता हूँ, आप लोग बहुत ही समझदार लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के सभी भाई बहुत ही समझदार हैं, इसलिए मैं वकार मिर्चा राष्ट्रवादी समाजिक संगठन का अध्यक्ष एवं संयोजक हूँ, मैं सभी से अपील करता हूँ कि अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप अगर सुरक्षित रहेंगे, आप अगर स्वस्थ रहे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।